फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन देख लेते हैं। एट क्वेश्चन का टेस्ट है रेशियन प्रोपोर्शन टेस्ट 2। तो इसमें दे रखा है कि रेशियो जो है तीसरे प्रोपोर्शन का, तीन और चार का, एक है तीन और चार, इसका तीसरा तीसरा प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, और दे रखा है हमें फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 6, 8, 10, 6, 8 और 10 का जो फोर्थ प्रोपोर्शन है, इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो प्रोपोर्शन में पता है कैसे निकालते हैं, तो पहले केस में थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। तो प्रोपोर्शन निकलेगा 3:4, प्रोपोर्शन का समानुपात, इसका मतलब 4:x। तो हमारे पास ये पहला ये थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बराबर 16/3 या x1 = 16/3। दूसरे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालते हैं, तो फोर्थ प्रोपोर्शन कितना निकलेगा, तो फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा हमारे पास लेटर से 6x2 = 8×10 = 80। तो x2 की वैल्यू कितनी निकल गई, 80/6 यानी 40/3। तो रेशियो क्या आ गया, दिस इज टू दिस, मतलब 16/3/40/3। तो रेशियो आ गया 16:40 का, या हम कह सकते हैं 2:5, 2:5 का रेशियो आ गया। तो ये हमारे पास कोई चॉइस है, ये चॉइस है हमारे पास 8th का, ए इज द आंसर। थैंक यू।